हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इस समय हुए हैं रात के 10:15 और आज है डेट 3 अक्टूबर। ठीक है, और आज सोच रही थी वीडियो नहीं बनाऊंगी। आज थोड़ा मूड कुछ अप डाउन हो रहा था, कभी मतलब डाउन हो गया तो कभी अप भी हो गया। बच्चों का फ़ोन आ गया तो अप हो गया और वैसे डाउन हो गया। ये हस्बैंड सारा दिन मेरा सिर खाते रहते हैं तो डाउन हो जाता है, बच्चों का फोन आ जाए तो अफ हो जाता है, तो इसलिए हंसी भी आ रही है। तो आज ना मेरे 2-3 दिन से बिस्किट खत्म हो गए थे, तो आज मेरा बड़ा मन कर रहा था चाय के साथ मुझे बिस्किट ही खाने हैं। तो मैंने शाम इनको थोड़ी देर पहले बोला, मतलब 1-1.5 घंटा पहले, कि मेरे को चाय के साथ खाने हैं बिस्किट। तो गए बेचारे लेने, तो बिस्किट वगैरह ले आए, रस ले आए। कहते थोड़े से क्या लाने हैं, पूरे महीने में जितने लगते हैं वो ले ही आता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। फिर ले आए तो मैंने इनको बोला कि जाके इनको संभाल के रख दो। हैं, कह रहे नहीं अभी कहाँ संभाल ले, अभी तुझे दिखाने नहीं है सबको। मैं कौन सी आई तुझे बिस्कुट नहीं दिखाने। मैंने कहा हाँ दिखाते हैं, मैं तो भूल ही गई है। और उसका कनिका का फोन आया दिन में 1-2 बारी, और वो कह रही कभी मैं कभी हम ना इसमें थोड़ा सा था कि दिवाली पे आए या कल आए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला जहाँ छुट्टियाँ ज़्यादा है वहाँ आ जा। अब वो कह रही है मैं कल ही आ रही हूँ, कल शाम को आ जाएगी वो। कल उसके क्लास में, कल उसके 3 लेक्चर हैं और वो अटेंड करने के बाद फिर वो निकल लेगी वहाँ से, और फिर क्लास में बैग वैग रख लेगी सारा। जैसे ही लेक्चर खत्म होंगे स्टैंड पे पहुंचेगी बस लेके, सीधा बस अड्डे आ जाएगी। तो आ जाएगी वहाँ से और कह रही इस बार तगड़ा खर्चा करवाना। मैंने कहा 6,000 का चूना तो पहले ही लगा दिया तूने, मोबाइल ठीक कराने में 6,000 लगेंगे, वो चूना तुमने दिवाली पे पहले ही लगा दिया। ऊपर से कह रही है तगड़ा खर्चा करवाना है मैंने, और बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, 2 पता नहीं 3 पार्टियाँ लेनी है उससे। मैंने कहा ये तो पापा को बटा ले, मेरे को नहीं पता इसका, पापा को बटा ले, पापा पैसे देगा तो बच्चों को पार्टी कर देना, एक बर्थडे की पार्टी और एक उसको वो जो सेकेंड इंटरनेशनल वाला वो जो गई थी जहाँ पे सेमिनार, उसमें सेकेंड प्राइज मिला है। तो इसके लिए इसके चक्कर में ना, इसका कह रही इसके चक्कर में कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा मुँह बना रहे हैं और कुछ जो टीचरों की नज़रों में थोड़ा ऊंचा उठ गई है, और बच्चे बेचारे थोड़ा मुंह बना रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाकी मैंने को यही समझाया था बेटा ज़िंदगी में भाई कुछ करना है, तू इस कॉलेज में क्यों आई थी, सिर्फ रिसर्च की वजह से इस कॉलेज में तूने इसलिए ये कॉलेज चूज़ किया था। अब रिसर्च में तो कुछ अच्छा करेगी तभी तेरा आगे का द्वार खुलेगा। हो सकता है कि मतलब अगर कुछ लाइफ में अच्छा कर ले, कुछ अच्छी रिसर्च कर ले तो तेरे को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जब भेजना पड़े तो हम भेज देंगे। देखो तो मैं तेरे को यही समझाती हूँ कि बेटा इस कॉलेज में ना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है ना वो पिछले साल तो ये लाइब्रेरी में बिताती थी मुझे याद है, और सेकेंड ईयर में आकर दिल्ली हो गई थी तो लाइब्रेरी में नहीं बिताती थी। बच्चों है गप्पे मार ली, खा पी लिया, इधर घूम लिया उधर घूम लिया, कॉलेज क्लास अटेंड कर ली, और बस पेपरों से थोड़े दिन पहले, मतलब पेपर से 2-4 दिन पहले पढ़ाई कर ली। ठीक है, तो ये चक्कर। अब मैंने साथी के मार्क्स तो आपको बता दिए थे, कनिका ने बोला कि मेरे दो पेपर मिले हैं, तो मैंने कहा बता नंबर। एक में 10 में से कह रही थी कितने आए इसके, 9.5, और एक 15 में से आए हैं, मैं वो भूल गया कितने आए थे, 15 में से 14 ऐसे कुछ बता रही थी। मैं कहा पढ़ती तो तू है नहीं है तो नंबर कहाँ से आ गए। मैंने कहा क्योंकि 2-3 दिन पहले एक किताब को हाथ लगाएंगे ये बच्चे कॉलेज वाले, है ना। तो मुझे बड़ा गुस्सा था, इनके कॉलेज में ना स्वच्छता अभियान भी चल रहा है तो उसके लिए एक ग्रुप बना रखा है इन्होंने। ये बच्चे क्या करते हैं कि मतलब कि हफ्ते में एक दिन कॉलेज से बाहर जाके बोरा वो काला वाला बैग ले जाते हैं पॉलीथीन वाला, या फिर कोई बड़ा सा बोरा, बाहर जाके सफाई करते हैं। तो उसने एक दो फोटो भेजी थी, मैं डाल दूंगी वो भी देख लेना, इनका जो ग्रुप है कैसे स्वच्छता अभियान कॉलेज से बाहर जाके मतलब सामान उठाता है और बाकी जो है जो कूड़ा उठाता है। चलो अच्छी बात है, सफाई करना कोई बुरी बात थोड़ी है। और दूसरी बात यह कि अपना कॉलेज भी साफ रखो और बाहर भी साफ रखो, अच्छी बात है। तो और दूसरा ये कि अब चलो कल आ रही है और 4 दिन के लिए आएगी, मंगलवार शाम को वापस हो जाएगी, और उसके बहुत सारे इसने काम पेंडिंग कराने हैं, कुछ शॉपिंग करनी है, मोबाइल ठीक कराना है। एक बैली लेके गई थी पिछली बार 500 की, तो पता नहीं 500 की चीज़, उसको थोड़ा सा रिपेयर कराना है, और कह रही शॉपिंग भी करनी है, पता नहीं क्या क्या करना है इसने। तो चलो ठीक है, 4 दिन तो फटाफट निकल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। और बाकी जो है सामान क्या लाया मैं दिखा देती हूँ। अभी आज वीर बाजार है, जैसे ही ये वहाँ से बिस्किट लेकर आए इतना मौसम ख़राब हुआ, मतलब एकदम बारिश बहुत तेज़ हो रहा है। अब रात को भी बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश आएगी तगड़ी वाली, और अभी आई है तगड़ी वाली। वीर बाजार जाने वाले थे तो रुक गए, कहते बात तो इतनी तगड़ी बारिश आ रही है तो ये वीर वो पड़ी है। और मैंने तो अपना एक पैकेट बिस्किट का खोल लिया और खा लिया, ये एक पैकेट ये लाए, पूरा महीने का कोटा होता है, 2 पैकेट मंगवाती हूँ, बाकी अगर कम पड़ जाए तो बाद में और मंगा लेती हूँ, पर शुरू में मैं 2 पैकेट रस के और 2 इसके मंगा लेती हूँ। तो ये बिस्किट का पैकेट लेकर आए, मेरे को ध्यान नहीं है कितने का लेकर आए, मैंने 500 का नोट दिया था इनको, 280 रुपये वापस किए, लगे कितने 120 रुपये, 280 किए 220 लगे।
ठीक है। और ये बस ये एक रस का, ये रस के पैकेट दो लेकर आए हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितने के लाए, लाए होंगे जितने के भी है, चलो। पर 500 के नोट में से मेरे को इन्होंने जो है 280 रुपये वापस किए, और वो मैंने दे के भेज दिया वीर बाजार। मैंने कहा वीर बाजार कहते हैं 280 से क्या बनेगा वीर बाजार का, है 500 का अकाउंट नोट दे। मैंने कहा अच्छा इस बार तो उधार भी मेरा बहुत चढ़ गया है, इस बार मेरा ना 1500 का तो उधार है, 500 रुपये एडवांस ले चुकी हूँ, 2000 रुपये का तो पहले ही घाटा बढ़ गया, और अब पूरा महीना मैंने कैसे चलाना है भगवान जानता है। अभी सामान और मंगाना है, सामान मंगाती रहती हूँ, वो पैसे आराम से मेरे काट लेते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सामान भी तो आ ही जाता है ना फिर। अभी मेरा गुड़ नहीं मिला, गुड़ लेकर आना है। और आज आज मेरा मन कर रहा है दाल घिया के साथ चावल खाने का, तो दाल मैंने रखी हुई है गैस पे, चावल मैंने धो के भिगो दिया, अभी करना है। और अभी दाल का मुझे तड़का काटना है, और मैंने आज सोचा था कुछ खास चीज़ बनाऊंगी, कनका आएगी तो कुछ खास बनाना है मुझे, पर अभी पता नहीं, अब देखती हूँ मैं बनाती हूँ कि नहीं, मन करता है कि नहीं मन करता, पर बनाऊंगी तो फिर वीडियो डाल दूंगी। और चलो मिलती हूँ मैं कल आपसे, क्योंकि मेरी वीडियो हो जाएगी लंबी और मेरे पास स्पेस की होती है दिक्कत, थोड़ा 1 GB स्पेस है, ज़्यादा है ही नहीं, तो फिर लंबी वीडियो हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। चलो तब तक जो कल मिलती हूँ आपसे, हैं, और कल शाम को कनिका आएगी तो उससे भी मिलवा दूँगी आपको, हैं। और बस बाकी जो है कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, और हैप्पी नवरात्रि सबको।